हेलो दोस्तों, नमस्ते, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे आप यूज करेंगे इंडस वैली हेयर कलर। रिव्यू भी करूंगी एंड रिजल्ट भी दिखाऊंगी, डेमो करके दिखाऊंगी, फुल प्रोसेस आपको बताऊंगी, कैसे इसको प्रिपेयर करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे इसको वॉश करना है, कौन सा शैम्पू यूज करना है, कौन सा कंडीशनर यूज करना है एंड एंड रिजल्ट कैसा रहेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके सारे इंस्ट्रक्शंस एंड पैकेट में क्या क्या इनका मेंशन किया गया है। ये डैमेज फ्री नो पीपीडी हेयर कलर है, यानी कि इसको अप्लाई करने से आपके बाल डैमेज नहीं होंगे एंड इसके अंदर पीपीडी नहीं है, यानी कि ये नेचुरली बालों को काला बनाएगा। मैंने जो शेड यहाँ पर लिया है दैट इज ब्लैक 1.00। वैसे तो इसके 6 शेड्स अवेलेबल है, जहाँ से मैंने ब्लैक चूज किया है क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम है एंड वो ब्लैक हेयर कलर ही ढूंढते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं है, साथ ही साथ अमोनिया भी नहीं है। इट इज ऑर्गेनिकली नेचुरल हेयर कलर, जेल बेस्ड एंड इसके अंदर बहुत सारा हर्ब्स डाला गया है। इट इज इफेक्टिव, लॉन्ग लास्टिंग एंड एक्स्ट्रा सेफ। एंड जितना भी इसका कंटेंट है अप टू 4 एप्लीकेशन ये हो सकते हैं, यानी कि 4 बार आप अप्लाई कर सकते हो। इट हैज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्ब्स एंड इट इज डॉक्टर रिकमेंडेड। इसके अंदर जो जो हर्ब्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज एलोवेरा, जो हमारे शाइन एंड मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है। आंवला है, जो हमारे बालों को नरिश करता है, जो हमारे हेयर में इलास्टिसिटी एंड सॉफ्टनेस को मेंटेन करता है। यूवी प्रोटेक्शन के लिए सनफ्लावर डाला गया है। ऑरेंज है, जो हमारे हेयर ग्रोथ को एनकरेज करता है। हेना है, जो हमारे हेयर को हेल्दी एंड स्मूथ बनाता है। साथ ही साथ इसके अंदर है बेसिल, जो डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है एंड व्हीट जर्म है, जो हमारे बालों को नरिश करता है। ये कलर 100% वीगन है एंड नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स। इट इज ISO सर्टिफाइड ब्रांड। जो मार्केट में कलर्स अवेलेबल होते हैं वो कलर यूज करने से तो आपके बाल इंस्टेंट काले हो जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को आगे जाके और भी सफेद कर देता है, यानी कि जो हमारे काले बाल हैं उनको भी सफेद कर देता है, जो सफेद बाल है वो तो सफेद रहेंगे ही। सो इंडस वैली ऐसा नहीं है, वो हमारे काले बाल को सफेद नहीं करता है एंड जो सफेद हो गए हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो आपके जो आपके नेचुरल हेयर कलर है वो रिटेन रहे। ये आपके नेचुरल हेयर कलर को बर्बाद नहीं करता है। यहाँ पर पैकेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके हेयर की कंडीशन कोई भी हो, चाहे वो ब्लैक हो, डार्क ब्राउन हो, ब्लॉन्ड हो, व्हाइट हो, ग्रे हो, हल्का ब्राउन हो, आपको एंड रिजल्ट में प्योर ब्लैक हेयर ही मिलेगा। एक ही एप्लीकेशन से आपका जो बाल है पूरा काला हो जाएगा। इसकी जो प्राइस है दैट इज ₹699 एंड अभी तो ये यहाँ पर लिखा है कि ₹599 में अवेलेबल है। आप ऑनलाइन इसे परचेस करेंगे तो आपको और भी कम प्राइस में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ पैकेट को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं मुझे क्या क्या मिला है इसके अंदर। इसके अंदर है 120 ml एलो ऑरेंज जेल, साथ में है इसका सैचेट्स ऑफ हर्बल हेयर कलर पाउडर। 4 पाउच है, जिसका 4 पाउच है 5 ग्राम करके, यानी कि 20 ग्राम टोटल हमें मिलता है। इसके अंदर एक बॉक्स आता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिफलेट होता है, हेयर कलर ब्रश विथ कॉम्ब होता है एंड 1 पेयर ऑफ ग्लव्स होता है। साथ ही साथ 1 मेजरिंग कप दिया जाता है जिसका क्वांटिटी है 30 ml। फिर आपको कलर प्रोटेक्टिव कंडीशनिंग शैम्पू भी दिया जाता है जिसका क्वांटिटी 50 ml। एंड फाइनली यहाँ पर हमें मिलता है सैचेट्स ऑफ हेयर ईज स्पा मास्क 15 ml करके, 2 पैकेट मिलते हैं, यानी कि टोटल 30 ml। तो ये हमारा पैकेट का कंटेंट है। तो अब चलिए बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ कि इसे कैसे अप्लाई करना है। नाउ मैंने इस प्रोसेस को 4 स्टेप में डिवाइड किया है। स्टेप 1 है हमारा हेयर कलर प्रिपरेशन, स्टेप 2 हेयर कलर एप्लीकेशन, स्टेप 3 हेयर वॉश एंड स्टेप 4 कंडीशनिंग। सिर्फ 4 स्टेप में ये हमारा हेयर कलर जो है आपका हो जाएगा। देखिए प्रोसेस थोड़ा लेंदी है तो आपको इस वीडियो को फुल देखना चाहिए ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए कैसे अप्लाई करना है एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। गलत एप्लीकेशन से बाल खराब हो सकते हैं, रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा जानें इस प्रोडक्ट के बारे में। तो डेफिनेटली पहले पूरा वीडियो को देखो एंड तक, फिर जाके इसको परचेस करो एंड अप्लाई करो। सो बढ़ते हैं हमारे पहले स्टेप में, दैट इज हेयर कलर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए आपको लेना है ऑरेंज एलो जेल, हेयर कलर पाउडर, पेयर ऑफ ग्लव्स, हेयर कलर ब्रश विथ कॉम्ब एंड एक बाउल। बस यही चाहिए।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो हेयर कलर पाउडर का पाउच है वो हम काटेंगे। इसके अंदर हमें 4 सैचेट्स मिलते हैं 5 ग्राम करके। नाउ अगर आप मेन हो तो आपको 1 सैचेट में हो जाएगा, क्योंकि मेन के बाल छोटे होते हैं। अगर आप वुमेन हो, गर्ल हो, तो आपको जो है एक से ज्यादा लगेगा, यानी कि मिनिमम 2-3 लग ही जाता है। अगर आपके बालों का लेंथ शोल्डर तक है या फिर मिड वेस्ट तक है, तो आपको 2 से 3 यूज करना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो 4 पैकेट फुल आपको यूज करना चाहिए। जितना आप हेयर कलर पाउडर यूज करेंगे, उसके हिसाब से हमें एलो ऑरेंज जेल डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, मेरे हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग सबसे पहले बाउल में 2 पैकेट जो है मैंने हेयर कलर पाउडर डाल दिया। अगर आप 1 सैचेट यूज कर रहे हैं हेयर कलर पाउडर का, तो आपको 1 कप ऑफ एलो ऑरेंज जेल डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 2 सैचेट यूज कर रही हूँ, तो मैं 2 कप यूज करूंगी। 2 कप यानी कि यहाँ पर जो मेरा 30 ml का कप है, उसके अंदर डाल के मैं इसको डालूंगी। वैसे ही अगर आप 3 सैचेट यूज करते हैं, तो आपको 4 कप जेल यूज करना पड़ेगा। 4 सैचेट यूज करते हैं, तो फुल ट्यूब आपको यूज करना पड़ेगा। नाउ यहाँ मैंने जो जेल अपना है डाल दिया, एलो ऑरेंज जेल, एंड थोड़ा सा कप में रह गया था, तो मैं ब्रश की मदद से पूरा निकाल लूंगी एंड मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद प्रॉपर प्योर जेट ब्लैक एक जेल रेडी हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। थोड़ा सा लिक्विड ही है, बट ये ज्यादा मेसी नहीं होने वाला है। प्रॉपर जेल क्रिएट होने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले आपके बाल क्लीन होना चाहिए, वॉश्ड होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले ही दिन हेयर वॉश कर लेंगे शैम्पू के साथ। शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। नेक्स्ट डे आप इस हेयर कलर को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कॉम कर लूंगी ताकि एक भी नॉट्स ना रहे। एंड प्रॉपरली आप देख सकते हैं मेरे बालों का कलर कैसे हल्का ब्लैक है, प्लस थोड़े बहुत व्हाइट हेयर है रूट सेक्शन में। इतना नहीं नजर आता है, लेकिन प्रॉपरली देखेंगे तो नजर आएगा। एंड अब हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्लव्स है वो पहन लेंगे, वरना जो कलर का स्टेन है वो हमारे हाथों में लग जाएगा। एंड आप क्या कर सकते हैं, स्किन में लगेगा तो स्टेन लग सकता है, तो आप वैसलीन या फिर ऑयल अपने फोरहेड एंड कान के एरिया में लगा ले, ताकि कलर जो है लगेगा तो भी स्टेन नहीं होगा। अब हम अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश। तो ब्रश को लेके सेक्शन बना के बालों में थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके कॉम से क्या करेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे। कॉम से क्या होगा, एक एक हेयर स्ट्रैंड में कलर आपका लग जाएगा। ब्रश के साथ पहले तो आप अपने पार्टिंग करके हेयर में लगा लीजिए, एंड देन कॉम करके उसको फैला दीजिए। ऐसे करके आप अपने पूरे स्कैल्प को पहले कवर कीजिए, एंड देन अपने हेयर लेंथ पर लगाइए। पूरा हेयर लेंथ पर लगाने के बाद इसको हमें 30 to 45 मिनट्स तक रख देना है, ऐसे ही लीव कर देना है। नाउ अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद हैं, तो आप हीट का यूज भी कर सकते हैं, यानी कि ब्लो ड्रायर यूज कर सकते हैं या फिर हीट कैप यूज कर सकते हैं, एंड इसको और 30 मिनट्स तक हीट होने दीजिए। इससे क्या होगा, आपके बाल काले हो जाएंगे एंड फर्स्ट यूज में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड स्टेप, दैट इज हेयर वॉश। हेयर वॉश करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने बालों को प्रॉपरली प्लेन वाटर से धोना है, जब तक पानी रनिंग वाटर आपका क्लीन ना आ जाए। जब आप धोएंगे पानी से, तो आपके बालों से काला पानी निकलेगा। जब तक ये काला पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, क्लीन नहीं हो जाता, तब तक आपको बालों को धोना है। वंस इट इज डन, नाउ आवर हेयर इज रेडी टू शैम्पू। शैम्पू करने के लिए पैकेट में ही आपको मिल जाता है इनका कलर प्रोटेक्टिव शैम्पूइंग कंडीशनर। तो ये एक शैम्पू होता है जो कंडीशनिंग भी आपको करके देता है। तो ये वाला ट्यूब हमें मिला है, तो ये 50 ml का आता है। आप इससे शैम्पू निकाले एंड फिर अपने बालों में स्कैल्प में अच्छे से मसाज करें। 2 मिनट तक रखें मसाज करने के बाद, एंड देन नॉर्मल पानी से धो ले। मैं 2 बार जनरली शैम्पू करती हूँ, तो मैं 2 बार ही फॉलो करूंगी, एंड आपको भी 2 बार फॉलो करना चाहिए। फिर से मैं थोड़ा क्वांटिटी में लूंगी एंड अपने बालों में लगा के शैम्पू कर लूंगी, एंड देन वॉश कर लूंगी। ये एक हेयर कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू है, तो इसका मेरे पास बिगर बॉटल भी है जो 200 ml का आता है। इसका शैम्पू जो पूरा क्लियर जेल की तरह आता है एंड बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से फोम क्रिएट करता है, पूरे स्कैल्प एंड बालों को अच्छे से वॉश कर देता है। इसके अंदर कोई भी पैराबेन नहीं है, SLES नहीं है, SLS नहीं है। इसका pH 5.5 है, यानी इट इज सोप एंड अल्कलाइन फ्री, प्लस इट इज टियर फ्री। आंखों में भी चला जाएगा तो भी जलन नहीं होगा। इट रिमूव्स ऑल ट्रेसेस ऑफ डर्ट एंड ऑयल। बिल्ट इन कंडीशनर एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है आपके ड्राई हेयर को। आपके बालों को ऑल डे टचेबल बनाता है, यानी कि सॉफ्ट स्मूथ बनाता है। इट इज 100% वीगन गाइस, तो आप इसे परचेस कर सकते हो, क्योंकि
कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू क्या करता है, अपने जो हेयर कलर लगाया है उसको और भी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है एंड ट्रांसफर प्रूफ बनाता है, यानी कि स्टेन प्रूफ। हेयर वॉश के बाद हमारा आता है लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 4। तो उसमें हमें करना है हेयर कंडीशनिंग। तो उसके लिए आपको यूज करना है हेयर इज स्पा, दैट इज हेयर कंडीशनिंग मास्क, जो 15 ml का आता है, दो सैचेट पाउच में यानी पैकेट में आपको मिल जाता है, ब्लू कलर का ऐसा दिखने का होता है। इट हेल्प्स टू डीपली नरिश योर हेयर, रिपेयर योर हेयर एंड स्मूथ शाइन आपको देता है बालों में। आपको क्या करना है, इस क्रीम को निकाल के स्कैल्प से टिप तक अप्लाई कर लेना है एंड 5 से 10 मिनट तक इसको छोड़ देना है, मसाज नहीं करना है, जस्ट सिंपली जैसे कंडीशनर अप्लाई करते हो बालों में वैसे अप्लाई करके छोड़ देना है। 10 मिनट बाद जो है हेयर को नॉर्मल पानी से धो लेना है। वॉश करने के बाद प्रॉपरली हमारा जो ऑल स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर एंड अब हम बालों को ड्राई कर लेंगे नेचुरल एयर में एंड फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। सो दिस इज माई फाइनल रिजल्ट, पूरे बाल काले हो चुके हैं फर्स्ट वॉश से ही एंड यू कैन सी बाल कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं, स्मूथ सिल्की स्ट्रेट लग रहे हैं। सबसे पहले बात तो कलर बहुत अच्छा आया है एंड दूसरी चीज जो मुझे बहुत पसंद है दैट इज इनका हेयर इज स्पा मास्क। आपके एक ही एप्लीकेशन से बिल्कुल स्पा लाइक हेयर स्मूथ कर देगा, स्ट्रेट कर देगा, शाइन कर देगा, एकदम से सिल्की शाइनी बन जाएगी आपकी बाल। जो मैंने कलर अप्लाई किया था, कलर को जब मैं वॉश करी थी तब बाल थोड़े रफ लग रहे थे, थोड़ा ड्राई लग रहा था, लेकिन जब मैंने इस मास्क को लगाया पूरा जो मेरा हेयर है स्पा की तरह स्मूथ हो गया एंड ओवरऑल इसका जो पूरा पैकेट आता है, इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, फुल एक स्टेप जो प्रोसेस होता है हमारा वो फॉलो अप करने से एक तो आपके बाल काले हो जाएंगे, दूसरे आपके बाल सिल्की स्मूथ भी हो जाएगा। सो ओवरऑल ये हेयर कलर ट्रीटमेंट जैसा है जो आपको करनी चाहिए एंड जो मैंने प्रोसेस 1 by 1 आपको बताया, स्टेप्स बताए, वो आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आपको भी मेरी तरह रिजल्ट मिले। एंड इस कलर को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आप कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू कंडीशनर तो यूज कर ही सकते हैं, तो इससे आपके बालों का जो कलर है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। साथ ही साथ मैं ये बोलूंगी अगर बाय चांस आपके स्किन में स्टेन पड़ जाता है हेयर कलर का तो आप लेमन जूस यूज करके रिमूव कर सकते हैं एंड पिलो पे रात को सोते वक्त जो है पिलो पे स्टेन लग सकता है तो आप क्या करेंगे, पिलो के ऊपर टॉवल से कवर कर देंगे, मिनिमम 7 days तक इसे करें ताकि कलर जो है ट्रांसफर ना हो आपके पिलो में एंड शर्ट भी आप ब्लैक पहने, क्योंकि मैंने भी ब्लैक पहना है ताकि हेयर कलर जो है ट्रांसफर भी होता है तो समझ नहीं आएगा। ब्राइट कलर या फिर व्हाइट कलर के एक टी शर्ट क्लोथ्स आप ना पहना करें मिनिमम 7 to 10 days, क्योंकि हो सकता है कि पसीने की वजह से या पानी की वजह से जो है आपके कलर जो है वो निकले, लेकिन एज सच इसके साथ तो कुछ नहीं होता बट प्रिकॉशन लेना तो जरूरी होता है हमेशा, तो ये जरूर आप फॉलो करें। आई होप कि आपने इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया होगा, प्रॉपरली इस वीडियो को देखा होगा, जाना होगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है किसी भी स्टेप में आपको तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगी हेयर कलर रिलेटेड इश्यूज को। तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें अगर प्रोसेस समझ आया हो तो, पसंद आया हो तो, एंड कमेंट करें आपको नेक्स्ट कौन सा हेयर कलर का डेमो देखना है, रिव्यू देखना है। साथ ही साथ इन दोनों प्रोडक्ट्स का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप इजीली परचेज कर पाओ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। टाटा बाय बाय।